एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। ऑल द अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न वेल फेस द चैलेंजेस ऑफ द कॉम्पिटिटिव। बेहतरीन परीक्षा परिणाम सेंटर टॉपर अंजलि चौहान 97.80%। जिले में लहराए परचम 63 विद्यार्थियों में से 14 विद्यार्थी 90% प्लस, 63 विद्यार्थी 80% प्लस। माय स्कूल प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स इन द बोर्ड एग्जाम। वर्तमान में मेरे अधीन एशियल स्कूल और कंगारू किड्स प्ले स्कूल है। बाबा श्री नारायण दास अभिनव पीजी महिला महाविद्यालय बहरोड राठ क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। कठोर अनुशासन के बीच आपकी बेटियां रहेंगी सुरक्षित। पिछले 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरे उतरते आए हैं बीए बीएससी एमए भूगोल राजनीति विज्ञान हिंदी संस्कृत में प्रवेश प्रारंभ बीएससी अंग्रेजी माध्यम संचालित। शिक्षा के साथ साथ हम सेवा कार्यों में रहते हैं सबसे आगे। कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयां संचालित। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एड्रेस ओल्ड कोर्ट रोड नियर स्टेट बैंक बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क का खास कार्यक्रम आज का इतिहास। आज के दिन इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई, आइए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में। 12 जून का दिन इतिहास में कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन 12 जून 1964 में दक्षिण अफ्रीका नेता नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में तबाही के लिए जेल की सजा सुनाई थी। 5 अगस्त 1962 में उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति के देश छोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आज के दिन 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1971 में हासिल की गई लोकसभा जीत को अवैध घोषित किया गया। इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मशीन के दुरुपयोग का आरोप भी लगा और अदालत ने उन्हें पद छोड़ने और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। आपको बता दें कि वर्ष 1971 में चुनाव में विपक्ष नेता राज नारायण ने यह याचिका कोर्ट में दाखिल की थी और अदालत ने यह फैसला सुनाया कि इस फैसले के बाद 25 जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी थी। आज के दिन 1962 में मशहूर भारत नाट्यम की नृत्यकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्म हुआ था। पद्मिनी हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री भी थी। आज के दिन 1957 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था। 1964 में आज के दिन दुनिया के सबसे बड़े विमान बोइंग 777 ने उड़ान भरी थी। इस विमान में 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था थी। आज के दिन 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई थी। बाल मजदूरी के विरोध और जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 1915 में आज के दिन नेकचंद सैनी का निधन हुआ था। भारत सरकार ने 1984 में नागरिक सम्मान पद से सम्मानित किया था। आज के दिन 2016 में बैडमिंटन खिलाड़ी सोनिया नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन खिताब जीता था। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय जहां नेवी एयरफोर्स सैनिक नौदेव ओलंपियाड मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी IIT नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। फैसला आपके हाथ। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल गर्ल स्कूल के सामने बहरोड को एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक क्रिएटिव स्कूल फॉर क्रिएटिव चाइल्ड, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड स्टाफ, होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग क्लासेज, फ्री DMIT एनालिसिस, नो पनिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज थ्रू मेडिटेशन, क्रिएटिंग ए पाथ ऑफ नॉलेज। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल का एक कदम संस्कृति की ओर, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। आज ही अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे की बनाएं अलग पहचान। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय। आप तक नेटवर्क के आज के इतिहास में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क हर कदम पर है आपके साथ।